हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर सीज किचन। तो आज का वीडियो स्पेशल है, सो जस्ट बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था, मैम आप मोमो की रेसिपी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टफिंग रेडी करेंगे। पैन में ऑयल गर्म करेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक कद्दूकस की हुई ग्रेटेड। अब हम यहाँ पर ग्रीन चिली ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। और अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड की हुई कैबेज, कैरेट, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। आप चाहें तो अपने चॉइस की भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लेंगे। वेजीज को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से कुक हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इसे दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और दोबारा से इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हमारी स्टफिंग यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम यहाँ पर मोमो का डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है और अब इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर अब हम इन्हें थोड़ा थोड़ा वाटर डालकर अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। वाटर को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ वाटर का यूज़ नहीं करना है, जिससे हमारा डो बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा और मोमो अच्छे नहीं बनेंगे। मोमो के डो पर हमें ज़्यादा वर्क करना है क्योंकि इसमें हमें ग्लूटन लाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से वर्क करना है। इसमें लचीलापन लाना हमें बहुत ज़रूरी होता है, अगर लचीलापन नहीं आएगा तो मोमो हमारे फट जाएंगे। दोबारा से ऑयल लगाकर इसे अच्छे से मैश करेंगे, इस पर अच्छे से वर्क करेंगे। अब हम इसमें दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमें यहाँ पर इस डो को ज़्यादा देर रेस्ट करने के लिए नहीं रखना है, यहाँ पर हम इसे ओनली 5 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए ही रखेंगे। तो अब हम इसे कॉटन के कपड़े से ढककर रख देंगे और जब तक हम मोमो की चटनी बनाकर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा वाटर डालेंगे और उसमें अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे टोमेटोज। यहाँ पर मैंने 3 टोमेटोज लिए हुए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई रेड चिली। इन सबको अब हम यहाँ पर सॉफ्ट होने देंगे। टोमेटोज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसकी स्किन हटाएंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छी प्यूरी अच्छा पेस्ट रेडी कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गार्लिक, थोड़ी जिंजर, थोड़ा सा नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज कर सकते हैं। और इसे ढक कर हम अब एक प्यूरी रेडी करेंगे। प्यूरी हमारी रेडी हो गई है, मोमो की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा रखनी है जिससे हमारी स्टीम अच्छे से निकले और मोमो हमारे अच्छे से स्टीम हो पाए, क्योंकि आज हम मोमो जो बना रहे हैं वो विदाउट स्टीमर बना रहे हैं।
तो आइए अब हम यहाँ पर डो को अच्छे से हैंड से मैश कर लेंगे और मोमो बनाना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अब हम इसकी कुछ लोइयाँ काट लेंगे। और इसे अब हम अच्छे से बेल लेंगे एक एक करके। इसे हम गोल बेलेंगे। और इसी तरह से सारी लोइयों को हम अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पर सारी लोइयों को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है और अब हम इसमें यहाँ पर स्टफिंग ऐड करेंगे। सारे लोइयों पर हम यहाँ पर स्टफिंग ऐड करेंगे। और अब हम इसे यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसे मोमो का शेप दे देंगे। और इसी तरह से मैंने सारे मोमो रेडी कर लिए हैं। तो आइए अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अच्छे से बॉयल हो चुका है। स्टीम यहाँ पर अच्छे से आने लगी है और अब हम इसके ऊपर एक स्टील की छलनी रखेंगे और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे जिससे हमारे मोमो इस पे बिल्कुल भी स्टिकी ना हो और चिपके ना। अब हम इसमें सारे मोमोज रख देंगे। अब हम इसे ढककर स्टीम करेंगे। यहाँ पर मोमो हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम पलटकर दूसरे साइड से भी अच्छे से स्टीम कर लेंगे और यहाँ पर एक बाउल में चटनी सर्व कर लेंगे। मोमो हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो आइए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। फाइनली हमारे विदाउट स्टीमर मोमोज बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी मोमो की रेसिपी कैसी लगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।